कहा जाता है कि 2013 के बाद इसी मुजफ्फरनगर से यूपी की राजनीतिक दिशा बदल गई, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या भाजपा विधायक फिर यहां से जीत पाएंगे, उनका चुनाव प्रचार कैसा है और लखनऊ जाने के लिए वो कैसी तैयारी कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर की शहर सीट से भाजपा ने एक बार फिर कपिल देव अग्रवाल पर दांव खेला है। विधायक जी का मानना है कि विकास की बदौलत वो फिर से लखनऊ का रास्ता तय करेंगे। विधायक जी, लखनऊ चलने की तैयारी है? पूरी तैयारी सब। पूरी तैयारी? पूरी तैयारी। इस बार जनता के बीच किन मुद्दों के साथ? मुद्दे तो जो हमारे विकास का है सबसे महत्वपूर्ण, भरपूर विकास कार्य मोदी जी सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी सरकार में भरपूर हुआ है। जनता में एक विश्वास कायम हुआ है प्रदेश और केंद्र सरकार के प्रति कि सरकार भी कुछ होती है, सरकार की धमक भी कुछ होती है, सरकार के भी कुछ काम करने के जन कल्याणकारी योजना होती है। पहले तो कल्याण योजनाकारी योजना को पता ही नहीं लगता था, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही नहीं थी। पहली बार जनता को एहसास हुआ है कि सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है और जनता का विश्वास कायम हुआ है सरकार के प्रति। 2014 और उसके बाद 2017 के चुनाव में मुजफ्फरनगर ने प्रदेश की राजनीतिक दिशा बदल दी थी। एक बार फिर यहां के हिंदू मुस्लिम वोटर्स पर सबकी निगाहें। कपिल देव अग्रवाल हिंदू मुस्लिम वाली बात तो करते हैं, लेकिन उनका दावा है कि मुस्लिम भाजपा को ही वोट देंगे। कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी केवल उन लोगों के अंदर है जो नारे लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको संरक्षण देने वाले लोगों में नाराजगी। जो नारे लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है, जो उनको संरक्षण देते थे उनमें नाराजगी। जो भारत की हार पर और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ देते उनको गिरफ्तार करें, जिनको जेल भेजा गया उनमें नाराजगी। इसके अलावा समय प्रसन्न था। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और है, जब आपने इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की बात की है तो मुजफ्फरनगर का चुनाव है ये 2013 के बाद यहाँ काफ़ी समीकरण बदले हैं यहाँ पर, तो क्या हिंदू मुस्लिम यहाँ पर जो फैक्टर काफ़ी हावी रहने वाला है? ये हिंदू मुस्लिम फैक्टर पता नहीं कहाँ से आता है, कोई विषय नहीं है। मैंने आपको बताया हिंदू मुस्लिम कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी ने योगी जी ने सर्वत्र कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आप जाइए यहाँ के मुस्लिम क्षेत्रों में भरपूर आवास उनके बने हैं, उनके शौचालय, उनको आवास, जन जन के खाते, खाद्य मिल रहा है, वैक्सीनेशन उनका हो रहा है, सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। कुछ लोग जो फिरकापस्ती लोग हैं जो मुसलमान को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा करके, उनका डर दिखा करके अपने पक्ष में रखे रहना चाहते हैं, क्यों उनके दिमाग में ये सेटअप बना हुआ है, वे लोग माहौल खराब कर रहे हैं, बड़ा मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। मुजफ्फरनगर की जिस सीट पर कपिल देव अग्रवाल दावेदारी ठोक रहे हैं वहां से किसान नेता राकेश टिकैत भी आते हैं। हालांकि भाजपा विधायक को उम्मीद है कि जीत उनकी ही होगी। यहाँ पर राकेश टिकैत भी रहते हैं और आपके विधानसभा में रहते हैं, बातचीत होती है उनसे कभी? होती है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है। अभी 3 दिन पहले बातचीत हुई है, कोई ऐसा हो भी हमारे ही बीच के, हमारे ही परिवार के, तो वैचारिक कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, उन्हें आंदोलन चलाया तो वो विषय लगे, पर कोई ऐसा विषय नहीं है, आंदोलन खत्म हो गया है और सब भाजपा के साथ। मुजफ्फरनगर की शहरी सीट वीआईपी सीटों में से एक है और जनता का दिल जीतने के लिए कपिल देव अग्रवाल लोगों के बीच पहुंचकर चाय भी पी रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि चाय पी रहे हैं विधायक जी, सुबह से शायद थक गए होंगे प्रचार करते करते, तो चाय की जरूरत है, एनर्जी की भी जरूरत होती है, तो चाय पीकर एनर्जी तो आ गई होगी शायद। चाय केवल एनर्जी के लिए नहीं है, चाय गरीब की झोपड़ी में मिलती है, झोपड़पट्टी में मिलती है और चाय 5-स्टार होटल में मिलती है। चाय एक प्रेम का बंधन है, किसी घर जाके चाय पियाओ तो नाराजगियाँ खत्म हो जाती हैं। आखिर नाराज है कौन आपसे? कोई नाराज तो होगा, इस मुझे फर्क नहीं होता है क्या इसका? हम ईश्वर तो है नहीं कि लोग हमसे सब प्रसन्न होंगे, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत दिक्कतें होती है तो नाराजगियाँ भी होती है, हम क्या कहेंगे कि सब ही हमसे खुश हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? पर ये हमारी जिम्मेदारी, कोई नाराज है तो उसके हम घर जाएँ, उसको मनाएँ, उसके घर चाय पिए, उसको प्रसन्न कर, ये हमारी जिम्मेदारी। गठबंधन वाले बहुत नाराज हैं आपसे, गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ चाय नहीं पी रहे हैं। उनके अभी चाय पीते, जो गठबंधन के नेता हैं उनके व्यक्तिगत सबसे हमारे संबंध हैं और वे गाये बगाए हमको ही सपोर्ट करते हैं। उनकी आत्मा पूछिए, उनके घर में, उनकी घर में, उनकी धर्मपत्नी की, उनके घर में बहुओं की, बेटुओं की, युवाओं की, सबकी वोट हमको मिलने वाली है,
ये कितना भी हल्ला काटे वोट भाजपा को ही पड़ेगी। उन्होंने चाय बनाई है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आप कि काम ठीक चल रहा है आजकल? काम सही है ये। विधायक जी कुछ काम करते नहीं करते हैं आगे कुछ? ये सब जो कुछ हो रहा सब विधायक जी के करने से तो हो रहा सब कुछ। आज निर्भय होके घूम रहे विधायक जी के उससे तो है। हमारा सत्संग मंडल है वहाँ, जब भी हम करते हैं तब फौरन आते हैं। अच्छा, बिना बुलाने की अगर अगर हम अगर हम 10 आदमियों का भी सत्संग कर रहे हैं तो ये फौरन आवे वहाँ पे। लखनऊ भेज रहे हैं इस बारे में विधायक जी को, इधर देखिए। ये तो यहीं लखनऊ के लिए, और किसे भेजेंगे बताओ आप? हमारे शहर की पहचान है ये, और किसे भेजेंगे? ये देखिए यहाँ पर एक बुजुर्ग दिखाई दिए, तो विधायक जी उनके पास पहुँचे, इनसे ही बात करते हैं। विधायक जी लखनऊ भेज रहे हो इस बार आप? हाँ, क्यों नहीं भेज रहे, भला कैसी बात कर रहा? ये तो जो है लिखा के वहीं से आए, पहले इनके मस्त किले का बता रही है। कुछ तो नहीं है आप? अरे नहीं यार, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो चादर ओढ़ रखी है। वोट तो दोगे? हैं? वोट दोगे ना? वोट क्यों देने के, वोट को घर में ही रखेंगे, वोट तो देने का ही काम है। लखनऊ जाते कैसे आप? गाड़ी से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं? ट्रेन से। ट्रेन से? ट्रेन से। गाड़ी से नहीं जाते कभी? गाड़ी कभी हाईवे देखा होगा? नहीं देखा है, कितनी बार गए हैं जब कोरोना चल रहा तब गए हैं, लेकिन अधिकांश में ट्रेन से जाता हूँ। इस बार जब गाड़ी से जाएंगे तो स्पीड कितनी रहने वाली है? 100 की स्पीड। 100 की स्पीड, यानी कि मानते हैं आप कायदे और कानून को? चलोगे तो फिर चलान हो जाएगा। 100 की स्पीड काफ़ी है, काफी है। स्पीड अच्छी रहे लेकिन नियंत्रण में रहे, गति किंतु नियंत्रण में, अति उत्साहित होना ठीक नहीं है। कपिल देव अग्रवाल चाहे जितने दावे करें लेकिन सपा रालोद के गठबंधन ने उनके सामने चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। अब वो 10 मार्च को लखनऊ जा पाएंगे या नहीं ये जनता तय करेगी। मुजफ्फरनगर की शहर सीट से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।